वैसे वैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। चार कॉलम्स बनेंगे, रिसीव्ड अमाउंट एंड पेमेंट अमाउंट। आपका ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड। अब देखिए, जब भी हम मैंने आपको कैरेक्टर सिस्टम बताया था, हेडिंग दी जाती है, तो किसका है पहले वो बताया जाता है, कौन से साल का है वो बताया जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन है प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेतना क्लब ग्वालियर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो हम लिख देंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसका है और चेतना क्लब। ठीक है, अब कब का है, कब का ईयर एंड है, यहां पर एन एस के नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंड है। क्या क्या है, 31 दिसंबर 2016। आपके कॉपी बुक में इसका सॉल्यूशन में 2017 लिख दिया है, जो कि गलत है। तो आपको बुक में क्वेश्चन दिया होता है जो ईयर एंडिंग का है वो लिखिएगा। अब सबसे पहले दिया है कैश बैलेंस 1 जनवरी का था 4390। ठीक है, तो जब भी हमारा जो ओपनिंग बैलेंस रहता है वो हम बुक में लिखते हैं टू बैलेंस बीडी करके। आपको सीधे अमाउंट दे दिया है कुछ कैश या बैंक अलग अलग दे दिया है, तो हम टोटल लिख देंगे अमाउंट में 4390। इसके बाद है रिसीट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीट हुआ, ये हमारा रेवेन्यू रिसीट हुआ, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे रिसीट सेक्शन में। कैसे, टू सब्सक्रिप्शन करेंगे। अब सब्सक्रिप्शन में उन्होंने दिया
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 3440 रुपीस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3440 रुपीस। उसके बाद है वेजेस, बाय वेजेस